हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सालू छेत्री मिनी ब्लॉग। गाइस, फिर से आप सबके सामने लेके आई हूँ मैं अपने डिश। और अपने डिश में क्या है आज आपको फिर से बताते हैं। मेरा फेवरेट डिशी है, लेट्स गो स्टार्ट। तो आज का स्पेशल है मेरा ग्रीन वेजिटेबल जो नॉर्थ ईस्ट के था, उसका मैंने सैलेड बनाई है तिल डाल के, निंगरो का सैलेड। ओके, तिल डाल के और बनाई है मैंने लोबिया, हिंदी में लोबिया बोलते हैं, नेपाली में भटमास का दाल। और मेरे बैम्बू सूप तो है ही, और बीन्स की सब्जी जो नॉर्थ ईस्ट में जो बीन्स होते हैं वो वाली, और ग्रीन चिल्ली और राइस। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और किसका जूस है ये पता नहीं, भूल गई, पता नहीं जो रेड रेड होता है ना, वेट पता नहीं आएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डालूंगी भटमास की दाल, मेंस लोबिया और माइनिंग रो का चटनी, चटनी नहीं है ये, सैलेड जैसे ही तेल डाल के, और तामा तो है। ओके डन, लेट्स स्टार्ट। आज भी बहुत यम्मी होने वाला है मेरा लंच। ये बहुत बढ़िया। बीन्स भी इतना अच्छे से पका है, गला है, ऐसे खाने का मन हो रहा है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही होता है। वैसे ये वाली मिर्ची हमारे उधर नहीं होता है, ये नागा के लोग, आसामीज लोग ज्यादा खाते हैं। हमारे उधर गोल वाली मिर्ची होता है जो बोलते हैं डल्ले कोसानी, तो वो तो यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन ये भी बहुत तीखा होता है। सेम है। ये सबसे तो मन ही नहीं पड़ता है ऐसे खाना है, मतलब ऐसे डिश है, आप इसको डेली भी खाओगे ना तो आपका मन नहीं भरेगा। ये ऐसे डिश है क्योंकि ना इसमें मसाले होते हैं, क्योंकि सिंपल तरीके से बनाते हैं ना इसलिए। मुझे भटमास का ये दाल भी बहुत पसंद है, जो भी अभी गाइस, ये निंगरों का साग है जो मैंने एक दिन पहले वीडियो भी डाला था उसका, इसका वो साग है। इसमें मैंने तिल, मेथी का छोंक, सरसों का तेल में, और एक आलू और एक टमाटर डाल के बनाई है। बहुत ही टेस्टी है, इसको मैं ज़्यादा नहीं खा पा रही हूँ अभी क्योंकि ये भी तीखी है, तो इसलिए ये सारी सब्जी पुरानी थी तो इसके साथ मैं ज़्यादा खा रही हूँ ताकि ख़त्म करूँ। टेस्टी ये भी बहुत है। आप लोग भी अपने घर में ऐसे इस तरीके से बना के खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी है ये। एक तिल की खुशबू बहुत बढ़िया लग रहा है।
मेरे व्हाइट कपड़े में ना गिरे कब, फिर छूटेगा नहीं। ये चुकंदर का जूस है गाइस, ये मिर्ची भी बहुत तीखा होता है, ऊपर ऊपर तो ना नीचे लीजिएगा। अपने अब टीवी चलने लग गया पता नहीं। और आप लोग सजेशन करो मुझे कि मैं कैसे खाना लेके आऊँ। ये तो सारी मैं अपने हिसाब से लेके आती हूँ, अपने जो मुझे खाने का मन होता है मैं वही बना के लेके आती हूँ। गाइस अगर फ्रेंड्स आप सब कभी अगर कोई मन हो कोई डिश की आप ये लेके आ जाओ आप ये खाओ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेशन दो कि फिर मैं वही बना के लेके आऊँ आप लोगों के सामने, फिर मुझे भी ईजी रहेगा कि ऐसे उसमें। लेकिन मैं तो अपना मनपसंद ही लेके आती हूँ हमेशा ही, जो भी है अच्छे से देख पा रहे हो। अभी तो वही मनपसंद मेरा खाना है, मेरा नॉर्थ ईस्ट का डिश है अभी फिलहाल 2-3 दिन से ऐसे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी वीडियो बनाने के लिए। आई होप सो गाइस आज के वीडियो भी आप सबको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप सबको कैसा लगा। तो धीरे ऐसे ही आप सबके सामने धीरे धीरे मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आया करूँगी और देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर।